हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयर होल्डर्स के लिए एक अपडेट है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अपडेट क्या है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम अपडेट की अगर हम बात करेंगे तो केपीआई ग्रीन एनर्जी ने 6 कंपनीज के साथ में एक परचेज एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है, और वहाँ पर ये परचेज एग्रीमेंट ये है, ये उन कंपनीज को पावर सप्लाई करने का काम केपीआई ग्रीन एनर्जी आने वाले टाइम पर करने वाला है। अगर हम बात करेंगे कितनी पावर यहाँ पर सप्लाई होने वाली है, तो 15.88 मेगावाट की जो सप्लाई है वो यहाँ पर केपीआई ग्रीन करने वाला है, और ये कंपनी अपने आईपीपी सेगमेंट के अंदर ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाली है। यानी कि पहले कंपनी सोलर पावर और विंड पावर से ये कंपनी के प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करेगी, फिर जैसे इन कंपनीज को रिक्वायरमेंट होगी तो वैसे ये कंपनी उनको पावर सप्लाई करती रहेगी। तो देखिए, कंपनी दो मॉडल्स के अंदर काम करती है, एक तो आईपीपी जो मैंने आपको भी बताया है, एक है कैप्टिव पावर सेगमेंट। यानी कि अगर कोई कंपनी है, उन्हें अपनी फैक्ट्री के अंदर ही उन्हें अगर सोलर पावर का जो प्रोजेक्ट है अगर वो उन्हें बिल्ड करवाना है तो वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है, और उसके अलावा अलग से भी ये कंपनी सोलर के प्रोजेक्ट करने का ये कंपनी काम करती है, और जैसे लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है, तो वैसे ये पावर सप्लाई करने का काम करती है। देखा जाए तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले टाइम पे कंपनी अगर पावर सप्लाई करेगी तो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ेंगे और हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो देखिए, एक चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए कि ये गुजरात के अंदर ये कंपनी हमें मेन फोकस ये कंपनी नज़र आती है, और जिस तरीके से अभी इलेक्ट्रिफिकेशन की बातें चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बातें चल रही है, तो वहाँ पर डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिक स्टेशन की जो डिमांड है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। और अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 400 से 500 इलेक्ट्रिक स्टेशन अभी टाटा पावर ने बना भी दिए, लेकिन डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, और वो आप कोल की पावर से वो आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से ही आपको वो चीजें करनी पड़ेगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहां पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उसे फुलफिल करने के लिए केपीआई ग्रीन भी वहां पे अपना एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे इनकी भी हो सकती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी हमें इस इंडस्ट्री की नजर आती है, और ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो ऐसी बातें चल रही है कि लगभग 15-20 सीएजीआर से ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। वहां पर एक छोटी कंपनी है तो वहां पर ग्रोथ के नंबर्स वहां पर ज्यादा हो सकते हैं। तो ये देखिए, 874 रुपीज़ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। आज ये स्टॉक लगभग नीचे था। तो देखिए, डेफिनेटली अगर आप देखोगे पिछले एक साल में काफ़ी फिनोमिनल रिटर्न्स यहाँ पे इस कंपनी ने दिए। पिछले एक साल में निफ्टी में कोई रिटर्न्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अराउंड मैं जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, अराउंड 500% से भी ज़्यादा ये स्टॉक एक साल में ऊपर है। तो यहाँ पर आपने क्या करना चाहिए, देखिए मेरे ख्याल से कंपनी अच्छी है। ग्रोथ वाइज अगर देखा जाए तो कंपनी लगातार अच्छा काम कर रही है, और लगातार इनके अगर आप देखोगे आईपीपी सेगमेंट हो या सीपीपी सेगमेंट हो, हर सेगमेंट के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। और वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि 80-90 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। अराउंड अगर आप देखोगे 25 या 26 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे, यानी कि पिछले क्वार्टर में लगभग 22 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने दिखाई है, तो अगर हम थोड़े फॉरवर्ड लुकिंग के नंबर्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे 15-16 के पी रेशियो हमें कंपनी के नजर आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे एक अंडर कंट्रोल चीजें नजर आती है, ओवर वैल्यूएशन नजर नहीं आता है, और लगातार प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बढ़ रही है, तो ये भी एक कॉन्फिडेंस नजर आता है। एक प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी प्लेज है, वो मेरे ख्याल से नेगेटिव फैक्टर रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं इनको इजीली लोन मिलता नहीं है, क्योंकि इनको लगातार कैपेक करना होता है, और वहाँ पे जब छोटी कंपनीज होती है तो उन्हें इजीली लोन मिलता नहीं है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मेरे ख्याल से ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए, और अगर आपने अगर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर अगर आपको एक एग्रेसिव बैट लेना है तो वहाँ पर ये कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक ये कंपनी और एक वारी रिन्यूएबल टेक करके कंपनी है, ये दोनों कंपनीज अगर आप देखोगे काफ़ी एग्रेसिवली इस एरिया में हमें काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये दोनों कंपनीज आपके रडार पर होनी चाहिए। दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि केपीआई ग्रीन एनर्जी का जो अपडेट हमने आपको दिया है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।